जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय पास्ट टेंस में नहीं बदलते हैं। आखिर में क्यों, क्या कारण है, इसी कारण के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके ऊपर एक वीडियो बना करके अपलोड किया जा चुका है, आप उसको जा करके देख लीजिएगा। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा। भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ अपवाद आते हैं। अपवाद क्या आता है उसको ये समझ लीजिएगा। यदि डायरेक्ट स्पीच का जो कथन होता है उसमें मुख्य रूप से चार बातों से संबंधित, चार जो मुख्य रूप से कथन है उससे संबंधित यदि कोई भी वाक्य आएगा तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जैसा का तैसा हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेट में तब्दील करेंगे और कंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसका जो रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग है उस जैसा का तैसा हम उसको हम रख देंगे, उसके टेंस में नहीं परिवर्तन करेंगे। तो ये चार मुख्य बातें कौन कौन से हैं, पहला सुन लीजिएगा। पहला, यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में इस यूनिवर्सल ट्रूथ की बात किया जा रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, जो मतलब सदा सत्य हो, जो बदले ना। अब सदा सत्य का मतलब जैसे हाँ ये कह सकते हैं कि जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य की ही बात है, मतलब हमेशा जो सत्य होने वाली बात है इसको कोई भी काट नहीं सकता है। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित कोई भी वाक्य आएगा डायरेक्ट स्पीच में डबल ई नोट कामा के अंदर तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ कंजेक्शन में तब्दील करके जैसा दशा हम बना। दूसरी बात यह है कि यदि दूसरी हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट मतलब आदत से संबंधित, यदि आदत से संबंधित कोई भी वाक्य रिपोर्टेड स्पीच वाले डबल ई नोट कामा के अंदर आता है तो उसके भी टेंस में नहीं परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते विचित्र को देख के भौंकते हैं, तो इस प्रकार के जो आदत से संबंधित कथन हैं उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद हो गया है यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, उसके बाद होता है हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब होता है कि यदि कोई वाक्य इतिहास की जो घटनाएं हैं, जो सार्वभौमिक सत्य हों, जिसको सभी लोग मानते हों, उनका जिक्र किया गया हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय उसके रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात डबल इनवर्ट कामा के अंदर जो वाक्य रहता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अर्थात जैसा का तैसा लिख देंगे। कब? जब ऐतिहासिक कथन हो, हिस्टोरिकल फैक्ट की बात हो या हिस्टोरिकल ट्रूथ की बात हो तब ये काम करेंगे। उसके बाद चौथा ये है कि प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मतलब क्या होता है, कहावत, प्रोवर्ब। यदि प्रोवर्ब की बात कहा गया है, जैसे कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या लव इज ब्लाइंड या देयर इज गॉड ईच एंड एवरी पार्टिकल, तो इस प्रकार के वाक्य आएंगे प्रोवर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार के आए भी कह सकते हैं माइट इज राइट, डायमंड कट्स डायमंड्स, या कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम, या लोहे लोहे को काटता है ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब इस प्रकार के जितने भी कथन इंग्लिश में आएंगे और डबल यूनिट कामा के अंदर आएंगे तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ कंजेक्शन बदलेंगे और उसके बाद जैसा का तैसा हम लिख देंगे। तो कुछ एग्जांपल हैं उसका आपके सामने, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे गए हैं बोर्ड पे, ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं। अब इसको आपको पहचानना है कि किस फैक्ट के अंतर्गत आएगा और इसके टेंस में परिवर्तन होगा कि नहीं। तो पहला हम लोग बनाने चल रहे हैं, पहला जो है, अब पहला क्या है इसका, हम यहाँ से इसका सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व। अब पहला देखिए लिखा गया दिस साइड, ही साइड द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब ही साइड वो कह रहा है कि सूर्य कहाँ पे ईस्ट में उगता है, निकलता है, यानी यह सार्वभौमिक सत्य है, सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आएगा। तो सिर्फ क्या करेंगे, लिखेंगे ही साइड को साइड ही रहने देंगे, कंजेक्शन क्या लगेंगे डैट। अब साइड को साइड क्यों रहने देंगे, टोल्ड क्यों नहीं बदलेंगे, इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो कंजेक्शन डैट लगेगा ये भी बता दिया गया है, तो क्या हो जाएगा दी सन राइजेज इन दी ईस्ट, कितना ईजी है, यहाँ पे डबल इनवर्ट कामा हट जाएगा, कामा लग जाएगा, ठीक। तो ये हिस्टोरिकल यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य से संबंधित घटना है ए द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब दूसरा यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल, ही सेड टू द बॉयज, ही सेड टू द बॉयज, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सेड को हम टोल्ड में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है तो उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं, तो ही हो जाएगा ही टोल्ड द बॉयज, ही टोल्ड द
बॉयज, कंजक्शन क्या लगाएंगे डैट। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, दी ही सेड टू दी बॉयज, वो लड़कों से कहा दी अर्थ मूव्स अराउंड दी सन, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये भी सत्य घटना है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये भी क्या करेंगे सिर्फ कंजक्शन डैट लगा करके जैसा का तैसा वाक हम लिख देंगे। तो यही है, यही रीजन है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इस वाले पार्ट, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच, इस वाले पार्ट के पास्ट टेंस में होते हुए भी इस जो रिपोर्टेड स्पीच के डबल इनवर्ट कामा के अंदर जो वाक रहता है उसको हम उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते। यही चार कारण है, कौन सा, हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और प्रोवर्ब, यही चार हैं। इससे संबंधित कोई भी वाक्य आएगा तो हम चेंज नहीं करेंगे, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ही टोल्ड दी बॉयज डैट, डैट क्या हो जाएगा, दी अर्थ, अर्थ हिज दी अर्थ मूव्स अराउंड अराउंड दी सन, अराउंड दी सन। अब देखिए हम डबल यूनिट कामा हट जाएगा, पुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक, एक बात और, डबल यूनिट कामा जो है होता है ये डबल यूनिट कामा के बाद ही फुल स्टॉप लगता है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरा देखिएगा, यहाँ पे तीसरा कौन सा वाक्य है इसको भी देख लीजिए, ही सेड द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ही सेड मतलब वो कहा द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, यानी कुत्ते विचित्र को देख करके भौंकते हैं, ये भी आदत है, कुत्तों का आदत है भौंकना, वो देख करके अजीब से व्यक्ति को या हाथी को देख करके भौंकना शुरू कर देते हैं, तो ये आदत से संबंधित कथन है, तो इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, थर्ड देखिएगा, ही सैड को साइड ही छोड़ देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड डैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अब ये भी देख लीजिएगा, अभी देखिए ये क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब ऑलरेडी पास्ट टेंस में होता है, वर्ब हमेशा बहुवचन होता है, वर्ब को एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या ईएस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये डॉग्स को क्या किया है, बहुवचन बनाने के लिए यस का इस्तेमाल कर दिए, अर्थात वर्ब और जो सब्जेक्ट होता है एक ही वचन में होने चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब फोर्थ देखिएगा, फोर्थ ये है हैबिचुअल फैक्ट से संबंधित कथन हो जाएगा, ही सेड टू मी व्हेन द टीचर कम्स इन द क्लास द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, अर्थात जब टीचर क्लास में आते हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, हम लोग भी जब बच्चे टीचर क्लास में इंटर करते हैं तो गुड मॉर्निंग बोल करके स्टैंड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो भी आदत से संबंधित ही कथन के अंतर्गत आएगा, तो उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फोर्थ नंबर का जो देख लीजिएगा, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट। अब यहाँ पे देखिए, यह इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव को हटा देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, तो ही टोल्ड मी डैट वेन, क्या हो जाएगा, वेन दी टीचर कम्स इन दी क्लास कामा दी स्टूडेंट्स स्टैंड अप, देखिए स्टूडेंट स्टैंड अप खड़े हो जाते हैं, फुल स्टॉप, डबल यूनिट कामा हट जाएगा। ठीक, ये भी आदत से संबंधित कथन है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इस जैसा का तैसा लिख देंगे। अब फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ पांचवें नंबर का, द टीचर सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास कौन है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत के शेक्सपियर हैं, ये तो ऐतिहासिक बहुत पहले की घटना नहीं है, कालिदास एक फेमस क्या हैं, कवि हैं, कालिदास फेमस कवि हैं, शाकुंतलम, रघुवंशम, मतलब ये संस्कृत के कवि हैं, तो इनकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है, कहा जाता है कि भारत के जो कालिदास हैं शेक्सपियर हैं, तो ये भी सत्य है, क्या है, सत्य है, हिस्टोरिकल के अंतर्गत आएगा, हिस्टोरिकल फैक्ट के अंतर्गत आएगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा का तैसा डैड लिख करके लिख देंगे। तो हो जाएगा दी टीचर सेड डैट कालिदास इज दी शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हो गया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। सिक्स देखिए,
स्टार्ट। सिक्स देखिए, सिक्स ए लिख रहा है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे ही सेट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही सेट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है, ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है, तो ये हमारा क्या है, ए प्रोवर्ब के अंतर्गत आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लव इज ब्लाइंड, या डायमंड्स कट्स डायमंड्स, या कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, मतलब इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे जो प्रोवर्ब होगा, तो हो जाएगा ही सैड, ही सैड डैट, ही सैड डैट ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हो गया, अब सातवां देखिए, सातवां यहाँ पे सी सैड, सी सैड टू हर लव इज ब्लाइंड, ये भी प्रोवर्ब में प्यार अंधा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वैसे में प्यार तो अंधा ही होता है। आपको एक घटना उत्तर प्रदेश की याद होगा जो शबनम से रिलेटेड था, जिसने लव के चक्कर में अपने ही घर के 7 लोगों का मर्डर कर दिया और बाद में चिल्लाना शुरू कर दिया कि इसको किसने मारा था, लेकिन बाद में पुलिस वाले ने पता करके उसको गिरफ्तार किया और वह दोषी ठहरी गई और वह पहली महिला है जिसको फांसी की सजा हुई है, फांसी की सजा दी गई है। आपके स्थानीय कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी ने फांसी की सजा दे दी है। तो यदि उसको फांसी हो जाती है तो वह भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी औरत को फांसी दी जाएगी, अभी दिया नहीं गया है, दी जाएगी यदि हो गया तो। ठीक, तो कहा भी जाता है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, यह एक छुहाड़े की तरह है, शुरू में तो खूब आनंद आएगा लेकिन साल भर के बाद इसका मजा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी सेड टू हर लव इज ब्लाइंड, तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड हर, सी टोल्ड हर, सी टोल्ड हर डैट, सी टोल्ड हर डैट क्या हो जाएगा, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, पुलिस स्टाफ डबल कम हट जाएगा। आठवां देखिएगा, आठवां ही सेड टू मी ही कैन गो टू स्कूल, ही सेड टू मी ही कैन गो टू स्कूल, तो चूंकि इसलिए ये आपके सामने एग्जांपल दिए, कैन को जैसे यदि किसी वाक्य में डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में कैन आता है तो कैन को कुड में बदल देते हैं, मे आता है तो माइट में बदल देते हैं, यदि मस्ट आता है तो मस्ट को नहीं बदलते, मस्ट में ही रहता है, आउट आता है तो आउट को आउट में ही छोड़ देते हैं, कुड आता है तो कुड को कुट में ही, सुड आएगा तो सुड को सुड में ही, उड आएगा तो उड को उड में ही, माइट आएगा तो माइट को माइट में ही, यूज्ड टू आएगा तो यूज्ड टू में ही चेंज करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। डायरेक्ट स्पीच के वाक में यदि ये सब आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सिर्फ कैन में को कुड माइट में चेंज करते हैं, बाकी ये सब जैसा का तैसा लिख देते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार इसका एग्जांपल एट नंबर एट का है, देखिए ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट, ही टोल्ड मी डैट क्या, ही कैन गो टू स्कूल, तो हो जाएगा ही कुड, ही कुड गो टू स्कूल, ही कुड गो टू स्कूल, ही टोल्ड मी डैट ही कुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो ये नरेशन से संबंधित जो कुछ ऐसे वाक्य आपके सामने आ जाते हैं जिसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, उससे संबंधित है वाक्य। चूंकि आपको मालूम है कि हम इसके पहले बता चुके हैं, ए वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम आर भी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ए वाला पार्ट है, ए वाला, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, या इसको आर एस भी कह सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इसको हम अच्छे से ये बता चुके हैं कि इसके, इसको सैड को कब टोल्ड में बदला जाएगा, एक बार और समझ लीजिएगा, यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट कोई दिया जाता है तो सैड को टोल्ड में बदल देंगे। ठीक, अब बाकी यदि पास्ट टेंस में है तो ये जो टेंस होता है जो जनरली वाक्य होता है, ठीक, जनरली वाक्य होता है जो चार अपवाद आते हैं इनको छोड़ करके, तो हमेशा यदि यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, मतलब एक एक स्टेप उसका आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन यही पे यहाँ पे भी पास्ट टेंस हो और यहाँ पे भी डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इस टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ठीक, यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है तो उसको हम किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। दोनों ध्यान दीजिएगा, देखने वाली बात है। यदि इस वाक्य में यहाँ पे भी पास्ट टेंस रहेगा और रिपोर्टेड रिपीट्स वाले वाक्य में पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। लेकिन दो कंडीशन यहाँ पे भी है जो लागू होता है। यदि ये वाला वाक्य, इस वाले वाक्य में दूसरा कोई वाक्य आएगा और इसमें टेंस में यदि पास्ट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया हो रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कोई तब्दीली नहीं होगा। ये बात दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। बस दो ही टेंस से कैसे आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में रहेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा का तैसा हम लिख देते हैं। ठीक, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये पार्ट टू है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का। पहला पार्ट हम बना करके अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो यहीं तक, जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।